नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुलविश। एक बार फिर हाजिर हूं आपकी कुंडली में। जिंदगी में अच्छा और भारी समय सबके जीवन में आता है। आवश्यक यह है कि अच्छे समय में संयम में रहा जाए और भारी समय को मजबूती से निकाल दिया जाए। तो इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान देवशंकर शास्त्री जी, जो बताएंगे सारी राशियों का राशिफल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी हमारे कार्यक्रम में। आचार्य जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, राशिवार तरीके से बताएंगे सारी राशियों के बारे में, लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगी, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो ऐसे में अष्टमी और नवमी पर किस तरह के विधि विधान होने चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा अपने देशवासियों को, नवरात्र का जो है, नवरात्रि इस समय माँ भगवती की, देवी की पूजन चल रहा है, और चैत की जो है नवरात्रा चल रहा है। आपने ये कहा है जो अष्टमी और नवमी पे क्या विधि विधान जो है होना चाहिए, तो चैत के नवरात्र हैं और चैत में भगवान श्री राम का इस नवमी पे जन्म हुआ है, रामनवमी पे। तो पहले तो मैं अष्टमी पे कह रहा हूँ, जो अष्टमी वाले दिन जैसे देवी माँ को, कन्याओं को बिठा करके घर में जो भोजन कराए जाते हैं, नौ देवियों को साथ में बिठा करके और पूजन करते हैं भगवती की, और पूजन करके देवी को भोजन कराते हैं और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं परिवार के लोग, तो मैं ये कहना चाहूँगा विधान इसके अंदर में, जैसे कई परिवारों को मैं ऐसे भी देखा और देखता हूँ जो देवियों की भोजन निकाल करके, कन्याओं का भोजन निकाल करके बाहर भिजवा देते हैं। तो अगर इस तरह के कोई काम करते हैं तो मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा जो बाहर नहीं भिजवाएं। अगर आप घर में बिठा करके कन्याओं को भोजन कराते हैं और उनसे अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करते हो, कन्या का आशीर्वाद अगर आप लेते हो घर में भोजन करा करके, नौ कन्याओं को आप जिमाएं, नौ कन्याओं को साथ में जिमाते हैं आप एक साथ, तो बहुत बड़ा कवच मिलता है परिवार को। और अगर किसी भी प्रकार की कुंडली के अंदर में कोई दिक्कत या परेशानी कोई ग्रह की चल रही होती है, तो नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन माँ दुर्गा की, माँ गौरी की पूजा होती है। उस दिन जिसने पूजा करती है, जिस दिन उनकी पूजा करनी हो अष्टमी वाले दिन, या किसी को नौमी वाले दिन अपने पूजा करनी हो, समाप्ति करनी हो, तो ऐसे व्यक्ति माँ भगवती के निमित्त कन्याओं को एक साथ भोजन करा करके और थोड़ा सा चावल, जैसे 100 ग्राम की क्वांटिटी में, उसको रोली मिला करके रंग लीजिए और उसको रख दीजिए वहाँ पे मंदिर में। जब कन्या भोजन कर लेती है उसके बाद उनके हाथ में दे दीजिए और उनको कहिए हमारे ऊपर में इसको छिड़क दें, तो परिवार के ऊपर में कन्या का हाथों से चावल छिड़कवा लीजिए रोली से लगा हुआ, ये आशीर्वाद के तौर पे आपको प्राप्त होता है। ऐसे करने से किसी भी प्रकार की कोई ग्रह खराब था या कोई दिक्कत या परेशानी बहुत दिनों से अगर चल रही है, तो निश्चित तौर पे ऐसे कन्याओं को भोजन करा करके और इस तरह से आशीर्वाद लेने से वो समस्याएं दूर हो जाती है, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे पारिवारिक हो, या किसी ग्रह दोष के कारण कोई अगर शारीरिक कष्ट हो तो दूर हो जाता है। और साथ में बहुत ज्ञान की बात मैं कहना चाहूँगा, कन्या जो भोजन करती है, नौ कन्याओं को जब आप भोजन कराते हैं तो उनका प्रसाद अगर कुछ बच जाता है तो उस प्रसाद को बाहर नहीं फेंकें, उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर लें अगर परिवार में कोई व्यक्ति है तो। अगर आयु में भी अगर कोई दिक्कत होती है या शत्रु आपको बहुत दिनों से कोई डरावना दिखा रहा हो या शत्रु आपको कोई पराजित करना चाहता है, तो कन्याओं की भोजन करने के बाद जो भोजन बच जाता है वो प्रसाद के तौर पे आप ग्रहण करते हैं तो आप पे शत्रु की कोई भी प्रभाव नहीं चलता है और सारे परेशानी दूर हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो अष्टमी वाले दिन चाहे नौमी वाले दिन, ये अप्रैल में 2024 के 16 तारीख को मंगलवार के दिन अष्टमी है और 17 तारीख को बुधवार वाले दिन नवमी है, तो जिन्होंने अष्टमी की पूजन करनी है, उनको कराई करनी है, उन्हें उस दिन कन्या का भोजन जिमाना है, तो वो उस दिन अपना ये प्रक्रिया करें।
जिनको नौमी वाले दिन करना है तो बुधवार के दिन नौमी वाले दिन करें। इस तरह का विधान करने से और इस तरह से विधि को नियमों को निभाते हुए जिन्होंने ये कन्याओं को इस तरीके से भोजन कराते हैं और प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, टीका लगाते हैं, तो मैं कहता हूँ जो बहुत तरह के उनको जीवन में लाभ मिलेगा और विजय प्राप्त होगा। और किसी भी प्रकार की कोई पारिवारिक या कोई दिक्कत चल रही थी बहुत दिनों से, तो ये दिक्कतें दूर हो जाएगी। जी जी, चलिए, बहुत ही आपने ये सारी बातें विधि विधान बता दिए हैं। चलिए अब राशियों का रुख करेंगे। आचार्य जी, मेष राशि इन जातकों के लिए ये हफ्ता 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का हफ्ता आप कैसा देख रहे हैं? जी, मेष राशि वालों के लिए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का सप्ताह बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। करियर और व्यवसाय में भाग्य आपका साथ देगा। व्यवसाय में धन लाभ परिपूर्ण संकेत है आपका। किसी भी प्रकार की खास मुलाकात किसी से हो सकती है। स्वास्थ्य में भी कोई कमी थी तो वो भी आपका सुधार हो जाएगा। अगर फिर भी कोई उपाय करना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो रविवार के दिन शरीर के अंदर में कोई तेल ना लगाएं, उसका परहेज करें। अगर आप संडे के दिन अगर परहेज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपको क्या परहेज करना है वो भी आचार्य जी बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि के जातक। इस राशि के लिए ये पूरा सप्ताह क्या संदेश लेकर आया है? आपके लिए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का समय थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। घर पर थोड़ा संभल करके बातचीत करें, क्योंकि वाद विवाद में दिक्कतें होने वाली है। और अपने परिजनों से वाद विवाद ना होने दें, अपने काम को संभाल लें और अपना पूरा ध्यान अगर आप काम पे लगाएं तो आपके लिए परिणाम बहुत सकारात्मक रहेंगे। वृषभ राशि वाले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी अपने आप को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्र मंत्र का बीज मंत्र 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। चलिए, सप्ताह वृषभ राशि के लिए अच्छा है और भी अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि, इसके जातक क्या करें सप्ताह आचार्य जी? जी, मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही नई ऊर्जा देगा, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कोई बड़ा अवसर भी आपको मिल जाएगा। बस काम को पारिवारिक जीवन में हानि ना होने दें, काम पे ध्यान दें। और आप इस सप्ताह अपने आप को और मजबूत करना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। गणेश जी को अगर दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपके राशि के स्वामी बुध है, और गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाने से विघ्न बाधा सारे दूर हो जाती है और आपके जीवन में सकारात्मक फल मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, कर्क राशि, इनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इनके रुके हुए काम इस बार पूरे होंगे या सावधानी बरतनी होगी? कर्क राशि वालों को ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई काम रुका हुआ है तो इस सप्ताह आपके प्रयास से पूरा हो जाएगा। और व्यवसाय में निवेश करने के लिए अच्छा समय है। कोई अगर व्यवसाय में आप पैसे निवेश करना चाहते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा ये सप्ताह। थोड़ा सा फिर भी अगर अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मानसिक तौर पे थोड़ा सा टेंशन बनेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में बहुत सुखद रहेगा। और अपने आप को कर्क राशि वाले कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है। अगर आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह आपके लिए अच्छा है और क्या उपाय करना है ये आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे सिंह राशि के जातक, इसके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए काफी व्यस्त रह सकता है। कामकाज के बचाव के लिए चलते रहें आप, बचाव करके। हो सकता है कि आप परिवार पर ज़्यादा ध्यान दें, और ऐसे करने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके परिवार में किसी भी प्रकार की मन मुटाव नहीं हो सकता है, नहीं तो संभावना ऐसे बन सकती है। आर्थिक रूप से खर्चों पे आप नियंत्रण में
रखें ध्यान, करने की जो है नियंत्रण करके चलें। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी है उस पर विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। हल्की फुल्की बीमारी को ध्यान रखें, ऐसा लक्षण देखने को आपको मिल सकता है ये सप्ताह। और अपने आप को किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी या कोई भी दिक्कत हो तो नज़रअंदाज न करें। फिर भी अगर ये सप्ताह अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सूर्य देव पे जल अर्पित करें, आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आपको सूर्य देव पर जल अर्पित करना है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, कन्या राशि, इनके जातकों के लिए आप क्या संदेश लेकर आए हैं? कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा का योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धर्म कर्म में आस्था जुड़ेगी और दान करने से आपको अत्यंत लाभ होगा। परिजनों नज़दीकियां बढ़ेगी परिजनों से आपकी, और अगर दूरियां बनी हुई थी तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, नज़दीकी बनेगी। मंगलवार के दिन अगर आप समोसे और हरी चटनी को बजरंग बली पे चढ़ा करके भोग लगा करके और अगर गरीबों में बांटें तो ये सप्ताह आपके लिए और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सप्ताह आपके लिए अच्छा है और अच्छा बन सकता है। आगे बढ़ेंगे तुला राशि के जातक, जो जिनकी ये राशि है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है? तुला राशि वालों के लिए सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि पिछले कुछ दिनों से आप परेशान हैं तो कार्य क्षेत्र में वो समस्याएं दूर हो सकती है। संयम आपको सबसे बड़ा गुरु है। अपने आप को जल्दबाजी न करें किसी चीज़ के माध्यम से। क्रोध पे नियंत्रण रखें और परिवार को समय दें। अगर ये सप्ताह आप इस तरीके से काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई उपाय करना चाहते तो माँ भगवती पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने से आपके लिए बहुत मजबूती रहेगी। बिल्कुल आचार्य जी, लगातार कई राशियों में आप कहते हैं कि दान करना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्व है दान करने का। जी देखिए, ऐसा है, दान का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो और अपने ग्रह को अगर मजबूत करना हो और अगर आगे बढ़ना हो तो दान बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दान करते हैं तो दान करने से आपके रास्ते खुल जाते हैं और आपका ग्रह मजबूत होता है। और अगर कोई जीवन के अंदर में कोई परेशानी चल रही थी बहुत दिनों से तो दान करने से वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि दान का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी चीज़ का दान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे कोई वस्तु का दान हो, चाहे कोई फल का दान हो, या कोई अनाज का दान हो, या कोई मीठा भोजन कराने की दान हो, तो किसी भी प्रकार की ऐसे कोई दान करते हैं गुलबीर जी, तो दान करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह के बदलाव देखने को मिलता है। तो दान का ये महत्व है। बिल्कुल, चलिए आचार्य जी आगे बढ़ेंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि, इनके जातकों के लिए आप क्या कहेंगे? वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का सप्ताह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। कोर्ट कचहरी में जो अगर कोई समस्या चल रहा था, जो काम फंसा हुआ था, तो उसका फैसला हो जाएगा। ये सप्ताह आपके लिए आपके पक्ष में होगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत ही सराहना होगी। जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद चल रहा था तो परिपूर्ण तरीके से ये सप्ताह आपके तालमेल बहुत बढ़िया बैठा रहेगा। फिर भी अपने आप को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन मीठा पान और 7 लौंग बजरंग बली के श्री चरणों में चढ़ाए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वाले। बिल्कुल, दान आपको करना है और किस चीज से करना है वो आपको आचार्य जी ने बता दिया है। आगे बढ़ेंगे धनु राशि के जातक, इनके लिए आप क्या कहेंगे? धनु राशि वालों के लिए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल में आपका रचनात्मक स्थल बहुत ही ऊंचा रहने वाला है। अगर आप कुछ नया व्यवसाय या कोई काम करने का सोच रहे हैं तो आप करिए, आपके उसमें प्रमोशन मिलेगा। करने का सही समय है। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा आपका। परिवार में भी माहौल बहुत खुशी भरा रहेगा।
बहुत अच्छा समय है, फिर भी अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं ये सप्ताह, तो पक्षियों को खाना खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा धनु राशि वाले। बिल्कुल, तो आपके लिए अच्छा समय ये रह सकता है, थोड़ी सी आपको एहतियात बरतनी है। आगे बढ़ेंगे मकर राशि के जातक, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये समय सारा ध्यान का है, ध्यान करने का है, काम की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने में लगाएं, व्यवसाय करें, व्यवसाय में बनाई योजना को मुकाम तक ले जाएं और समय के साथ अपना काम करें और आपका कार्य सिद्ध होगा। स्वास्थ्य से परेशानी अगर चल रहे थे तो उसमें आपको सुधार मिलेगा, और फिर भी अपने इस सप्ताह अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो मकर राशि वाले शनि देव की शनि शोत्र का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि का अब नंबर है। कुंभ राशि के जातक, क्या इनके लिए समय, जैसे कि पिछले कई हफ्तों से कुंभ और मीन के लिए बहुत अच्छा देखा जा रहा है, इस बार कुंभ राशि के लिए आप क्या कहेंगे? जी, मैं कुंभ राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है और किसी भी काम में लापरवाही न बरतें, व्यवसाय हो या नौकरी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मन विचलित होने का संभावना है, इसलिए पूजा पाठ में भी ध्यान लगा करके रखें जिससे कि राहत आपको मिलेगी। और जो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा बीत रहा था, तो मैं ये सप्ताह कहना चाहूँगा कुंभ राशि वालों के लिए, थोड़ा ध्यान पूर्वक काम करें और अगर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को प्रणाम करके और मंदिर ले जाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो ऐसे करने से, ये उपाय करने से कुंभ राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल फायदेमंद आपके लिए सप्ताह हो सकता है, थोड़ी एहतियात बरतनी है। मीन राशि, इसके लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? मीन राशि वालों के ये कहना चाहूँगा, ये सप्ताह आपके लिए कई बदलाव लेकर के आया है, नई जिम्मेदारियाँ मिलेगी आपको, दबाव बन सकता है, कार्यों में मन अशांत करके जो है सो काम नहीं करें, मन को ठीक करके रखें, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। अपने रिश्तों को समय दें और अपने आप में मन को समझा करके किसी भी कार्य को करेंगे तो मीन राशि वाले आपके लिए ये सप्ताह फिर सही निकलेगा। अगर फिर भी कोई उपाय करना चाहते हैं, ये सप्ताह अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी पे, लक्ष्मी भगवान की पूजा करें और लक्ष्मी जी पे जैसे अनार और शरीफे का जो फल होता है वो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, उनको भोग लगा करके गरीबों में बांट दें तो इससे आपको धन आने का आगमन बनेगा, आय का साधन आपका मजबूत होगा और ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बीतेगा। बिल्कुल, तो कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है आचार्य जी, लेकिन मैं जाने से पहले पूछना चाहूँगी, जो भी सूर्य ग्रहण अभी बीता है 8 तारीख को, क्या कुछ कितने समय तक इसका प्रभाव रहता है और क्या कुछ राशि के कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनको ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा अपने सतर्क रहने की ज़रूरत है? जरूर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है गुलवीर जी। मैं ये कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, देखिए 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा है और सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत प्रबल ग्रहण है और अपने आप में इतना मजबूत ग्रहण है, कई बार इस ग्रहण को मिथ्या न समझें, इसका प्रभाव 15 दिनों तक पड़ता है, सूर्य ग्रहण का प्रभाव 15 दिनों तक पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेष राशि से मीन राशि तक कुछ राशियों पे विशेष प्रभाव है इसका और कुछ राशि पे कम प्रभाव है, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ जातकों को, देश दुनिया में जो भैया, अगर आप कोई बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई वाहन चलाते हैं, तो आप सावधानी से चलाएं, चोट लगने की संभावना रहती है सूर्य ग्रहण में। और सूर्य ग्रहण क्या करता है, सूर्य ग्रहण आत्मा का मालिक है, आत्मा में सूर्य का जो है सो वास होता है, तो इसलिए बुद्धि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में न जाए, इसलिए आप अपने आप को 15 दिनों तक सूर्य ग्रहण का परहेज करें
और भगवान सूर्य देव की जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, सूर्य को जल देना, भगवान सूर्य देव की उपासना करना, भगवान सूर्य देव की पूजा पाठ करना, भगवान सूर्य देव की नाम लेना, भगवान सूर्य देव की स्तोत्र के पाठ करना, या सूर्य देव की जितने भी पूजा पाठ है अगर आप उनको करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 15 दिन तक का जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहता है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जातकों को, उनको गुलवीर जी लाभ मिलेगा। और दूसरी बात ये है, जो ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि विज्ञान के अंदर में भी और ज्योतिष शास्त्र में भी कहा है, जब ग्रहण प्रवेश करता है तो उस समय उनके अंदर में कुछ ऐसा अवगुण तत्व होता है जो अपने प्रभाव छोड़ता है, जो प्रभाव देश दुनिया में जहाँ ये ग्रहण का प्रभाव होता है, जहाँ ये ग्रहण लगता है, वहाँ पर विशेष तौर पर उनको देखा गया है, पाया गया है, और उनका प्रभाव उस जातक के ऊपर में पड़ जाता है। तो अपने आप को 15 दिनों तक विशेष तौर पे बचाव करके चलें, ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी कुंडली में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।